भाई मावी स्काउट इज लीविंग सोल रूम चैनल्स आर लाइक यू एंड मावी गोना गो टू एक्स पर टीएक्स रॉक्स हाउ आर यू गाइस गाइस रॉक्स इज आवर न्यू आइडल ऑफ टीएक्स और मैं रॉक्स को स्पॉन्सर किया हूं गाइस कि नेक्स्ट डे हुआ 9:40 की फ्लाइट पकड़ी मुंबई के लिए क्योंकि सब काम ऑलमोस्ट हो गया था एक रात Power onto the other hand, sir. Team CGX GG का CC6 GG के साथ fight लेते हुए and multiple knockouts यहाँ पे निकालते हुए Eevee यहाँ पे down हो जाएंगे, Bhaskar यहाँ पे down हो जाएंगे, सीधा slam में जाएगा, Godlike यहाँ पे पूरी तरीके से charging करते हुए नहीं हो रहेंगे, Dayu की तरफ से one man आ सकते हैं, एक को down कर सकते हैं, clutch God में जाएंगे, with that right inside bank completely Team CGX GG को eliminate करते हुए Godlike के पास 5 finish points आते हैं and सच बताओ रावण मुझे clutch God का HP नहीं दिख रहा है यहाँ पे 5 फिनिश पॉइंट और अगर यहाँ पे बात की जाए तो जरूर से कॉफी उंदा या फिर जॉनसन अभी भी अपने सारे फिनिश पॉइंट की तरफ रहेंगे 3 फिनिश पॉइंट अकेले के जॉनसन की तरफ से हम लोग सॉरी यस पावर की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है ग्रेनेड पिन आउट थ्रो करेंगे देखिए अभी एक बैटल कंप्लीट किया कितनी जल्दी रिकवर करके दूसरी फाइट की तरफ जा रहे हैं ये फिलहाल गॉड लाइक काफी अच्छी तरीके से मास्टर कर चुके लेकिन उस पॉइंट पर बात करें जाए तो क्लच गॉड थोड़ा ओवर अग्रेस कर लेते हैं और उस पॉइंट पर फिलहाल यहाँ पे नॉक आउट कर दिया जाता है पीछे से कॉफ आई जरूर आई लेकिन लेकिन रिवाइवल की तरफ यहाँ पे इतनी आसानी से रिवाइवल नहीं मिल रहा बट जॉनाथन को पहले रिवाइव करना पड़ेगा कब फायर की यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली वरना जॉनाथन को यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे ईस्ट ओसन फायर के प्लेयर और नियो अब यहाँ से एग्रेस करना स्टार्ट कर चुके हैं आगे जाएंगे क्रेजी सोल जो कि काफी बार मुश्किल में डाले थे पूरी टीम गॉडलाइक को एक प्लेयर को हर बार एलिमिनेट कर दे रहे थे लेकिन इस पॉइंट पे बात की जाए तो ग्रेनेड यहाँ पे टाइम में हो सकते हैं क्लच गॉड यहाँ पे बात की जाए तो ट्राई कर रहे थे बट नियो की तरफ से यह ग्रेनेड क्रेजी को गॉड पे यहाँ पे क्रेजी सोल का यहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब एंड फैक्ट फिनिश ऑफ भी कर देते 8 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं बैक टू बैक से यहाँ पे ग्रेनेड स्पैम किए जा रहे हैं क्लच गॉड को भी रिवाइव देना इस पॉइंट पे स्पॉट होने वाला बिल्कुल रिवाइव दे भी रहे हैं और अब ये देखिए फिलहाल यहाँ पे मुश्किल में डाल सकते हैं क्या इन्हें या फिर टीम गॉडलाइक को बहुत जल्दी से पता चलेगा कि जॉनसन भी यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं सेनाट प्रोन स्टिल अपने आप को प्रोन करके रखे हुए 4 प्लेयर इनके सामने पोजिशनिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है लेकिन सरप्राइज करके फिनिश पॉइंट की तरफ जाएंगे वो एक बड़ा सवाल जरूर से होने वाला है कंप्लीट ऑफ गार्ड में यहाँ पे टीम गॉडलाइक पा जाएंगे लेकिन फाइनली यहाँ पे जिस बात कर रहा था वही वो जॉनसन को नॉक किया गया फिनिश ऑफ भी कर देंगे बचा नहीं पाएगा वो फायर में यहाँ पे जो स्प्रे गई वो इनफ नहीं था कि जॉनसन को वहां पे बचा पाया ब्लॉग में बताऊंगा चलो बता रहा हूं तो बता देता हूं जो पेंट की स्मेल थी वो अभी भी चल रहा है सभी चीजें वहां पर जो स्मेल थी डस्ट था टू बी ऑनेस्ट मेरे बॉडी को बिल्कुल भी नहीं है अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहना लाइक मैं पूरा दिन यहाँ पर रहता हूँ मेरे घर पर रहता हूँ और कहीं होटल वगैरह में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ तो आई प्रीफर वेरी हाइजेनिक प्लेसेस सो बूट कैंप में मेरे गांड में चुलती भाई जीता स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ मेरे गांड में चुलती कि होटल नहीं बूट कैंप रहूंगा होटल थी मेरे पास पैसे भी थे मैं बुक भी कर सकता था मैं जा भी सकता था 10 मिनट ही दूर था वो समझ रहे हो बट मैं गांड में चुलती कि मेरे नहीं बूट कैंप में ही पहली रात मेरे को आज पहली रात बूट कैंप में बितानी देखना है कैसा लगता है सुबह उठा गला पूरा ब्लॉक एसी की वजह से धूल मिट्टी की वजह से हेडेक फक हो गया था पूरा मैं जैसे तैसे वरना मैं एक रात पहले आता था मतलब आज पूरा दिन मैं आराम करके अभी दोपहर का स्ट्रीम कर रहा था ये था ओवरऑल तो फिर हुआ ऐसा कि नेक्स्ट डे हुआ 9:40 की फ्लाइट पकड़ी मुंबई के लिए क्योंकि सब काम ऑलमोस्ट हो गया था एक रात पहले तक का एंड मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी तो मैं डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहा था बट स्टिल मैंने 90% काम जितना जो काम डिसाइड करके गया था घर पे से करके आऊंगा वो करा और बहुत सारे काम और भी करे और वो एक मेन मिसकम्युनिकेशन वाला भी मैंने नोटिस करा पता है लास्ट दिन पे नोटिस करा कि फक ये क्या कर दिया मतलब वो बताऊंगा तो तुम लोग बोलोगे एक बहुत बड़ी गलती होते होते बच गई अगर लिटरली पूरा हाइड्रा शिफ्ट हो जाता और वो गलती तब तक मेरे को नहीं मैं रेक्टिफाई करता ना कुछ इतनी इतनी कॉमन गलती इतनी कॉमन चीज थी ना कि वो इतनी इंपॉर्टेंट भी थी बट इतनी कॉमन थी ना वो मैं नोटिस ही नहीं कर पाता पूरा हाइड्रा का वो गलती तो मेरे लोड़े लग जाते सच बता रहा हूँ यार मैं तो 31st ऑफ अक्टूबर का वेट कर रहा हूँ सही बताऊँ तो क्या उस दिन कुछ है क्या यार है ना अपना पबजी न्यू स्टेट भाई कम से कम हैकरों का तो मुकाबला नहीं करना पड़ेगा अपने को क्लासिक में नया गेम न्यू स्टेट में हैकर नहीं है अभी तो आया ही नहीं है गेम अभी आया नहीं है ना स्टार्टिंग में होंगे फिर कम हो जाएंगे उसमें भी स्टार्टिंग में नहीं होंगे एक दो दिन फिर हो जाएंगे नहीं होंगे फिर कम हो जाएंगे
ओके एक दो दिन तो नहीं रहेंगे भाई गेम एक दो दिन तो नहीं रहेंगे भाई अरे वहाँ वैसे ग्लोबली ही रहेगा वो गेम सिर्फ इंडिया के लिए ग्लोबल रहेगा करना भी रहे मिलेंगे कम ही मिलेंगे हफ्ते में एक दो बार नो गाइस स्काउट ऑफ अल्ट्रॉन गिल्ड ज्वाइन टीम एक्सपायर कहीं चांसेस यार पता नहीं अभी वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है इनका क्या होने वाला है क्योंकि प्लेयर्स बहुत सारे हो गए अगर टीम सोल के लिए देखे आया तो अभी पता नहीं उनका क्या सीन रहेगा दोस्तों आई डोंट नो लेट्स सी क्या रहेगा नो आइडिया मैन क्योंकि मॉर्टल रहेगा वाइपर मावी गिल साउल शायद ऐसे ही हो गए ऊपर से एक अल्ट्रॉन भी आ गया अभी सात जन तो गाड़ी है ये रे मेरी अगर एक टीम रहेगी तो सात जन की रहेगी और दो टीम रहेगी तो कैसे डिवाइड होगा नो आइडिया दोस्त डोंट लिव सोल कौन लिख रहा है भाई नहीं छोड़ रहा कोई सोल क्या हो गया ये क्या हो रहा है डोंट लिव सोल क्या लिख रहे हो गाइस डोंट लिव सोल क्या होता है कौन सोल छोड़ रहा है अरे स्काउट भाई ये हम क्या सुन रहे हैं लाइनअप चेंज हो रही है क्या पिस्ता पिस्ता या पत्ते पत्ते गिर रहे ऐसा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी जो होगा अनाउंसमेंट होगा भाई Assumption मत लो लुबाना साहब न्यूज चैनल्स आर लाइक यू एंड मावी गोना गो टू एक्सपर्क ये आपको कौन बोल रहा है न्यूज चैनल ये आप लोग को कौन बोल रहा है बताओ गाइस मैं क्या बोलता हूँ इसे फेक न्यूज कौन स्प्रेड कर रहा है गाइस कहीं सोल नो वन इज लिविंग सोल माय फ्रेंड वी आर एस ए 12 फॉर लाइफ कैन यू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड वी आर एस ए 12 फॉर लाइफ क्या स्काउट भाई आज किधर मतलब रास्ता भूल गए आप नहीं रास्ता तो हमें हर बार याद था बस क्या कर रहे कि हम आजकल खेल नहीं पा रहे ना वो जवानी हट गई हमारी तो जवानी ढूंढ रहा मेरी जवानी कहाँ मिलेगी सोच रहा हूँ कि पुराने क्या पता अरे अरे। क्या पता पुराने घर पर जवानी बाहर आ जाए ये बात है एफएनसी और व्हाट एक्सपर्ट गाइस दिस इज द न्यू एक्सपर्ट मैं स्टोरी डाल था मैं ओवरसीज ही जॉइनिंग एक्सपर्ट गाइस गाइस हम लोग पुराने एक्सपर्ट आ रहे हैं गाइस मैं सोल पे रहूंगा फ्रैंक की देख गाड़ी है इधर फ्रैंक की परी दोस्त की रोड पे लेके आ जाएगा कोई आ रहा है क्या कोई दिख रहा है क्या परितोष दिख रहा है न्यू हमारे इधर तो नहीं दिख रहा वो गाड़ी रॉक्स हेलो हाय रॉक्स फनाटिक स्काउट ओपी भाई वेरी सो बीएफएम माय बीएफएम इज हियर विद मी ड्राइविंग माय बगी ब्रो बस होइस भाई हेलो हेलो टीएक्स टीएक्स रॉक्स हाउ आर यू गाइस गाइस रॉक्स इज आवर न्यू आइडल ऑफ टीएक्स और मैं रॉक्स को स्पॉन्सर किया हूँ गाइस रॉक्स का सैलरी है 5,000 तो गाइस रॉक्स ने सस्ते में हाँ बोल दिया मैं बहुत खुश हूँ तो क्या बात है ना कि गाइस की रॉक्स ने हाँ बोल दिया इतने सस्ते में तो भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया गाइस ऐसा अगर रॉक्स नहीं बोलता तो मैं गरीब सोल मत छोड़ना एक्स पार्क में मत जा भाई मैं नहीं जा रहा सोल आर का भाई भाई एस ए 12 इज नॉट अ टीम और ऑर्ग फॉर मी फैमिली है भाई क्या बात कर रहे हो गोल्डी भाई मेरे लाइफ टाइम भाई है तुमको पता है जब मैं सब बुड्ढा हो जाऊंगा गोल्डी और बुड्ढा गोल्डी भाई का बच्चा हमारे साथ खेलेंगे कोई नहीं लीव किया है ना स्काउट ना मवी डोंट वरी मैंने अनाउंसमेंट ब्रो जो दुनिया हिलाएगा होप इट्स नॉट न्यू लाइनअप होप द सेम टीम स्टेज मैंने क्या बोला था जो वो दुनिया हिला देने वाला जो मैं सच बोल दे रहा हूँ गाइस एक चीज याद रखना ये जो मैं बोला ना जिनका दुनिया हिल जाएगा ये अनाउंसमेंट से वो पूरे जो मेरे को नमन माथुर को देखते ना उन लोग के लिए रहेगा वो उन लोग के लिए नहीं रहेगा जो फुल ऑन ई स्पोर्ट्स या टीम सोल वाले हैं उन लोग के लिए चलो इट विल बी अ गुड न्यूज बट उन लोग को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा जो नमन माथुर को फॉलो किए हैं तो रिमेंबर वो लोग जो नमन माथुर मॉर्टल को फॉलो किए हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ा बहुत ही मतलब दे विल फील द बेस्ट भाई मावी स्काउट इज लीविंग सोल रूमर स्प्रेडिंग रूमर्स है फैलने दो ऐसा नहीं है नहीं नहीं यार वो रूमर्स ही फैल रहा है वो सब पूरा रूमर्स फैल रहा है वो साला गाइस सोचो भाई आप लोग का रूमर्स की वजह से हम प्लेयर्स खुद डाउट में आ जाते हैं भाई ऐसा हो रहा है क्या अरे मेरे को मेरे बारे में नई चीजें पता लगती है मतलब मैं एक बात बताऊं मावी लिटरली स्काउट को मावी लिटरली थग गोल्डी भाई को पूछा कि आप लोग ने कुछ अनाउंस किया क्या जस्ट बिकॉज पब्लिक रूमर फैला रही है भाई
एक सरप्राइज मिलेगा, एक सरप्राइज मिलेगा। और ये मैं बता रहा हूँ, ये जो इसका सरप्राइज है ना, यही होता है हमेशा, हर यही होता है सरप्राइज होगा। देखिए देखिए ये के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते क्यों हो? लेट्स गो। अरे मदर, ऐसे नहीं बोलते चूते। शी भाई, आई एम जस्ट बीइंग अ नेट। किसने किया?